हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ महाराष्ट्र का पूरा कैंपस बताऊंगा आपको, और लास्ट में इस कॉलेज के कुछ स्पेशलिटीज़ बताऊंगा। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। यह महाराष्ट्र का टॉप 10 कॉलेज में आता है एंड इट इज़ वन ऑफ द 7 ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स ऑफ महाराष्ट्र। सो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एडमिन बिल्डिंग, जहाँ पर आप एडमिशन की पूरी प्रोसेस करेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, एडमिन बिल्डिंग देखते हैं। सो आप मेरे पीछे देख सकते हैं एडमिन बिल्डिंग है एंड इधर खूबसूरत सा एडमिन गार्डन है। जब हमारा खाली वक्त होता है हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। सो यह है कॉलेज का ओन डेटा सेंटर एंड आगे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स लैब है। यह है एडमिन बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट सेम में सभी ब्रांचेस की क्लासेस यहाँ पर ही होते हैं। यह है कॉलेज का कोऑपरेटिव स्टोर, आपको जो भी स्टेशनरी लगेगी वो यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं सीएससी डिपार्टमेंट में, जो कि हमारा डिपार्टमेंट है, और चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसा है हमारा डिपार्टमेंट। सो हम आ चुके हैं सीएससी डिपार्टमेंट के एक क्लास में। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल बोर्ड भी अवेलेबल है। ये है हमारे डिपार्टमेंट की पीपीएस लैब। सो अब हम बढ़ते हैं आईटी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे लैब्स हैं। सो अब आपने देख लिया सीएस आईटी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट, ये था पूरा मेरा डिपार्टमेंट। सो अब हमने देख लिया सीएससी डिपार्टमेंट एंड अब हम देखने वाले सिविल डिपार्टमेंट। सो चलिए फ्रेंड्स। सो सिविल डिपार्टमेंट में एंटर करते ही आपको बहुत सारे लैब्स दिख रहे हैं, जैसे कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग लैब एंड बहुत सारे लैब्स है यहाँ पर। यह है कॉलेज का जिम खाना स्पोर्ट्स एंड वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। सो यह है हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी, जो कि ईएक्सटीसी डिपार्टमेंट के पास ही है। इस लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो। तो अब हमने सीएस आईटी इंस्ट्रू एंड सिविल डिपार्टमेंट देख लिया है। सो बची हुई ब्रांचेस हम इस डिपार्टमेंट में देखेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। सो इस डिपार्टमेंट में सबसे पहले हम आपको बताते हैं ईएक्सटीसी डिपार्टमेंट, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है। अब देखते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट एंड साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट भी। सो अब हमने देख लिया सभी डिपार्टमेंट का आपको बता दिया है। अब आ चुके हैं हम AICTE बॉयज़ हॉस्टल में। यहाँ पर डायरेक्ट सेकंड ईयर वाले और जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये हॉस्टल है। तो बात करते हैं इस कॉलेज में कौन से क्लब्स एंड इवेंट्स होते हैं। सो क्लब्स में ई सेल क्लब, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, GDSC, गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब, कोडिंग क्लब, मेकेट्रॉनिक्स क्लब, एस्ट्रोनॉमी क्लब, माइक्रोसॉफ्ट क्लब, कोडिंग क्लब, डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, आर्ट क्लब, सो बहुत सारे क्लब्स हैं। एंड बात करें इवेंट्स की, इवेंट्स तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, बट मेनली 3 इवेंट्स आपको बता देता हूँ। स्पोर्ट्स इवेंट के लिए कल्पना चावला ट्रॉफी एंड टेक्निकल फेस्ट के लिए प्रज्वलन होता है, और कल्चरल फेस्ट के लिए जेनिथ। सो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है जहाँ पर सब फेलिसिटेशन वगैरह सब होता है। सो ये है क्लब्स एंड इवेंट्स। सो फाइनल गाइज, हमने कैंपस टूर आपको बोला था, तो पूरा कैंपस हमने देख लिया है। अब कैंपस टूर का लास्ट का पार्ट, यानी बॉयज़ हॉस्टल, जो कि मेन बॉयज़ हॉस्टल है, वो अब हम देखेंगे कि कितने अच्छे से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और कैसा हॉस्टल। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। सो अब बात करते हैं इस कॉलेज की स्पेशलिटीज़ के बारे में। ये हमारे वीडियो का लास्ट सेगमेंट है। सो सबसे फर्स्ट स्पेशलिटी है कि आप ऑलमोस्ट हर ब्रांच में एमटेक कर सकते हो, एंड हमारा कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड होता है एज अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड रिसर्च ओरिएंटेड सेंटर फॉर PhD। इसके बाद यहाँ पर हर जगह आपको वाईफाई की फैसिलिटी प्रोवाइड है। इसके बाद में यहाँ पर हाईली इक्विप्ड फिजिक्स केमिस्ट्री लैब्स हैं, और हर कोर ब्रांचेस के लिए अपनी सेपरेट लैब्स हैं, जैसे सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, सभी ब्रांचेस के लिए। और यहाँ पर हमारे लाइब्रेरी में IIT बॉम्बे के रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस भी है। एज IIT बॉम्बे इज़ आवर मेंटर कॉलेज, सो हमें उसका एक्सेस भी है।
अब अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और इस वीडियो को अगर आप चाहते हो कि अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर सको और जानना चाहेंगे हमारे कॉलेज के बारे में उन तक शेयर करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना।